हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल कॉस्मेटिक के बारे में बी आई एस स्पेसिफिकेशन एंड एनालिटिकल मेथड फॉर शैम्पू स्किन क्रीम एंड टूथपेस्ट इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग क क्या करेंगे डिफाइन करेंगे लेकिन हम लोग कम्प्लीटली जो है शैम्पू को देखेंगे उसके बाद जो को रिलेट करते हुए आप लोग जो है स्किन स्किन क्रीम एंड टूथपेस्ट को क्या कर सकते हो आप लोग पढ़ सकते हो तो इसका नोट्स जो है मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल कॉस्मेटिक्स के बारे में तो इसमें फर्स्ट है हमारा बी आई एस तो बी आई एस के बारे में देखते हैं कि क्या होता है बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो इसमें आगे जैसे देखें तो इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सी डी एस सी ओ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइस अब इसमें डेफिनेशन के बेस पे जैसे देखें तो फिर जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है ये एक तरीके से जैसे देखें तो बोला जा रहा है कि ये सेफ्टी हो गया क्वालिटी कंट्रोल है ना सेफ्टी इन सब चीजों के बेस पे रहता है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोले है ना स्टैंडर्ड जैसे बोला जा रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है सारे ड्रग्स का है ना एंड मेडिकल डिवाइसेस का कोई से भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बन रहे तो उन सब चीजों की सेफ्टी के बारे में है ना उसके आ, किस तरीके का जो प्रोडक्ट है उनके क्वालिटी के बारे में इन सब चीजों के इन सब चीजों पे क्या करता है ये क्वालिटी कंट्रोल पे ये जो है वो वर्क करता है आगे जैसे देखें तो इसमें बोला जा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 एंड अब अब 1940 एंड रूल 1945 के अंडर जैसे देखें तो जो है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन इंडिया जो है वो रेगुलेट किया गया किसके अंडर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड नाइनटीन के अंडर में एंड लेबलिंग एक डिक्लेयर्ड बाई बी इसमें जो है लेबलिंग को डिक्लेयर किया अकॉर्डिंग टू बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे आगे जैसे देखें बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एज इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा बी आई एस जो रहता है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया रहता है एंड वर्किंग अंडर दस के अंडर में वर्क करता है काम करता है एज इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब चीजों के अंडर में जो है हमारा बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो वर्क करता है अब आगे जैसे देखें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड कंज्यूमर्स लिस्टेड लिस्टेड बिलो अब इसमें जैसे देखें जो हमारा बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो किन सब चीजों में इन्वॉल्व रहता है तो उसमें फर्स्ट है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन पे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम लेबोरेटरी सर्विस सेल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंज्यूमर अफेयर्स एक्टिविटी प्रमोशनल एक्टिविटी ट्रेनिंग सर्विस इंफॉर्मेशन सर्विस एंड लेबोरेटरी रिकोगनाइजेशन स्कीम एंड हॉल मार्किंग स्कीम तो इन सब चीजों पे जो है हमारा बी जो रहता है वो इन्वॉल्व रहता है इन सारी चीजों पे इसका जो है कंट्रोल रहता है जैसे बोल सकते हैं अब आगे जैसे देखें तो इसमें बी आई एस स्पेसिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो इस, अब इसमें जैसे फर्स्ट है हमारा एनालिटिकल मेथड फॉर शैम्पू तो अभी इसमें जैसे बोला जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड नंबर सेवन एट एट फोर 2004 थाउजेंड फोर बेस तो इसके बारे में जैसे देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है दिस इंडियन स्टैंडर्ड्स द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन जो इंडियन स्टैंडर्ड्स को अडोप्ट किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एंड आफ्टर द ड्राफ्ट फाइनलाइज बाई द कॉस्मेटिक सेक्शन कमिटी हैड बीन अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम कोल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स रिविजन काउंसिल अब जो है लास्ट में फाइनलाइज किया गया कॉस्मेटिक सेक्शन कमेटी के द्वारा और अप्रूव किया गया पेट्रोलियम एंड कोल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को है ना कई सारे पेट्रोलियम एंड कोल रिलेटेड कोल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या किया गया वो अप्रूव्ड किया गया आगे जैसे देखें दिस स्टैंडर्ड्स वाज पब्लिश्ड इन 1975 एंड फर्स्ट रिवाइज्ड इन 1978 सेकंड रिवीजन सेकेंड रिविजन ऑफ द स्टैंडर्ड वाज कैरिड आउट इन 1992 अब जो है फर्स्ट सबसे पहले जो है इसने पब्लिश किया इंडियन स्टैंडर्ड्स को कब 1975 पे एंड सेकेंड बार यानी कि फर्स्ट यानी फर्स्ट रिवाइज जो बोला जा रहा है 1978 मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड ने जो फॉर्मुलेशन बनाया 1975 पे उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ मतलब कि उसमें रिवाइज बोला जा रहा है मतलब कि थोड़े से चेंजेस हुए 1978 पे देन उसमें सेकंड बार दूसरी बार और उसमें चेंजेस किया गया वो कब किया गया 1975. नाइन्टी टू पे उसको फिर से रिवाइज किया गया यानी कि फिर से उस उसपे कुछ कुछ चेंजेस किए गए तो इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि अब इसमें जैसे देखें स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इको एंड बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कुछ यानी कि इसके स्पेसिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग इको यानी कि जो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहता है उसके लिए एंड बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे फर्स्ट है स्कोप स्कोप में जैसे बोला जा रहा है दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट फॉर शैम्पू बेस्ड ऑन सर्फेक्टेंशन अब जैसे इसमें बोला जा रहा है स्कोप में कि इसमें कई सारे मेथड्स यूज करके सैंपलिंग करके उसको टेस्ट किया गया जो शैम्पू बेस्ड सर्फेटें जो सरफेक्टेंट बेस्ड शैम्पू थे उस पर कई सारे टेस्ट लगाए गए सेकेंड जैसे बोला जा रहा है reference, reference में जैसे देखें दिस इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स कंटेन प्रोविजंस विच थ्रू रिफरेंस इन दिस टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो प्रोडक्ट जो ऐसे स्टैंडर्ड चीजों को कंटेन किया गया जो एक तरीके से जैसे बोले कोई सा भी अगर प्रोडक्ट बना रहे जैसे शैम्पू बना रहे तो उसमें कितने क्वांटिटी में क्या क्या लेना है उस तरीके से एक स्टैंडर्ड टेबल बनाया गया जिसमें फर्स्ट है जैसे देखें इंडियन स्टैंडर्ड नंबर और उसके टाइटल के बेस पे तो फर्स्ट है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड नंबर के बेस पे जैसे देखें तो थ्री टू वन एंड नाइन नाइनटीन सिक्सटी फोर ये एक तरीके का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है और उसमें टाइटल जैसे बोला जा रहा है एब्सोल्यूट एल्कोहल तो एब्सोल्यूट एल्कोहल कैसे बनाना है इस तरीके से जो है नंबर के बेस पे इसको क्या कर दिया गया अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि हमको अगर एब्सोल्यूट एल्कोहल बनाना है तो इस नंबर पे हम लोग अगर इस चीज का जो है टाइटल हम लोग सर्च मानेंगे तो वहां पे हमको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा तो इस तरीके से वन जीरो सेवन जीरो नाइनटीन नाइनटी टू इस तरीके से इसका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है और उसका टाइटल जो है रीजन ग्रेड वाटर तो रीजन ग्रेड वाटर कैसे लेना है तो इस तरीके से इसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कि इस नंबर पे हमारा जो है इस टाइटल पे इस टाइटल को अगर देखेंगे तो फिर वहां पर इसका पूरा डिटेल हमको मिल जाएगा थर्ड रिविजन मतलब कि तीन बार उसको रिवाइज करके इस चीजों को इन सब चीजों को जो है स्पेसिफिक रूप से एक स्टैंडर्ड रूप से क्या किया गया वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो इस तरीके से इसका इंडियन स्टैंड नंबर है एंड ये उसका जो है टाइटल है कि ये टाइटल का मतलब ये कि वहां पे ये चीज हमको मिलेगा इस नंबर पे ठीक है अब आगे जैसे देखें अब आगे जैसे देखें तो इसमें थर्ड है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमको लगेंगे डिस्क्रिप्शन में जैसे बोला जा रहा है ए हमारा डिस्क्रिप्शन है द शैम्पू सेल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इमलशन और पेस्ट इट मे बी कलर्ड एंड परफ्यूम्ड अब इसमें जिसे बोला जा रहा है जो शैंपू रहता है हमारा एक तरीके का लिक्विड फॉर्म रहता है इमल्शन और पेस्ट फॉर्म में रहता है इट में भी कलर्ड और एंड परफ्यूम्ड यानी कि हमारा जो है शैंपू जो रहता है वो थोड़ा सा कलर कलरफुल रहता है और रहता रहता है कि रहता है कि परफ्यूम सेकंड जैसे बोले तो फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है द क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड एक तरीके से क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड शैंपू रहता है फ्री फ्रॉम एनी सेडिमेंट उसमें कोई सेडिमेंटेशन नहीं दिखता है जो हमारा शैंपू रहता है उसमें होमोजिनस इमल्शन रहता है यानी कि अच्छे से मिक्सड इमल्शन रहता है मतलब की पूरी तरीके से मिक्स हमारा सेम्पू रहता है शैम्पू इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट सेल भी फ्री फ्रॉम एग्रोमेरेटेड मतलब कि उसमें किसी भी तरह की जमावट जो है उसमें देखी नहीं जाती जो शैंपू रहते हैं उसके अंदर थर्ड जैसे देखे इंग्रेडिएंट्स में तो फिर रॉ मटेरियल शुड कंफर्म इन द रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड इन आई एस इंडियन स्टैंडर्ड अब जो इंग्रेडिएंट्स जो लगेंगे इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे जो है उसमें जो जो इंडियन स्टैंडर्ड में दिया गया है वो वो चीज उसमें एड किए जाएंगे डाइज में जैसे देखा तो उसी तरीके से द डाइज यूज इन एनी सेल कंप्लाई विथ द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फोर सेवन जीरो सेवन तो इसपे जो है इस नंबर पे इसके डाइस क्या डाइस हमको यूज करना है वो शैंपू में जो, जो भी डाई हम, हम लोग यूज करेंगे शैंपू में उन सब चीजों के बारे में इस नंबर पे हमको दिख जाएगा अगर लास्ट जैसे देखें अदर इंग्रेडियंट्स के बारे में तो फिर अदर इंग्रेडियंट्स यूज इफ एनी सेल कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ आई एस इंडियन स्टैंडर्ड सेवन फोर सेवन जीरो सेवन इस पे जो है हमको पार्ट टू पे जो है हमको उसका क्या क्या और इंग्रेडिएंट लगेंगे शैम्पू बनाने में तो तो वो सब चीजें जो है वहां पे हमको मिल जाएंगे आगे जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर इको मार्क्स हमारे यानी कि इको मार्क्स का मतलब ये रहता है कि इन्वायरमेंटल uh, फ्रेंडली के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे शैम्पू तो उसमें यहां पे दिया गया है तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे इसको आप लोग मैं नोट्स अगर टेलीग्राम में, में भेजता हूं तो फिर उसमें आप लोग देख लीजिएगा इसमें बोला जा रहा है द प्रोडक्ट सेल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि वो थोड़ा सा क्वालिटी उसका अच्छी रहनी चाहिए सेफ्टी प्रोवाइड कराए एंड परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा दे तो इस तरीके से उसमें क्वालिटीज uh, उसमें रहनी चाहिए ठीक है ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट गोज इनटू द फार्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक सेल्स कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फोर सेवन जीरो सेवन अब जो हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं फार्मुलेशन बना रहे हैं उसमें जो है हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे जो चीज जो दिया गया है उसी के बेस पे ही हमारा जो शैम्पू जो है वो बना रहना चाहिए तो इस तरीके से बताया जाए तो ये है इको मार्क्स ये क्या क्या हमको लग सकते हैं हम इन्वायरमेंटल uh, फ्रेंडली बनाने के लिए क्या क्या हम चीजों को क्या क्या चीज लगेंगे उन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है आगे जैसे देखें तो पैकेजिंग एंड मार्किंग के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग उसको पैकेजिंग करेंगे और किस तरीके से उसको मार्किंग करेंगे इसमें फर्स्ट बोला जा रहा है शैंपू सेल बी पैक्ड इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स ऑफ एनी अदर सुटेबल कंटेनर्स हम लोग जो है शैंपू को ग्लास uh, कंटेनर हो गया प्लास्टिक कंटेनर हो गया या तो कोई एक सुटेबल कंटेनर में हम लोग उसको पैक कर सकते हैं अब सेकंड जैसे देखें द कंटेनर सेल बी लेजिबली मार्केटेड विथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अब जो हमारा कंटेनर रहता है कंटेनर रहेगा उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उसमें इंक्लूड करेंगे उसके बारे में जैसे बताया जा रहा है तो आगे जैसे देखें यहाँ पे जैसे दिखा जा दिख रहा होगा आप लोग को अब इसमें फर्स्ट है हमारा ने, नेम ऑफ मटेरियल मटेरियल का नाम मैन्युफेक्चरर नेम जो बनाने वाले का नाम हो गया है ना या फिर रिकोग्नाइज ट्रेडमार्क ऑफ इन या फिर कोई सा भी उसमें जो लगाना है वो हम उसमें एड कर सकते हैं और जैसे देखिए नेट कंटेंट ऑफ वॉल्यूम फॉर लिक्विड एंड इमर्शन एंड मास ऑफ पेस्ट अब इसमें कितना वॉल्यूम में क्या लिक्विड एड कर रहे हैं इमर्शन एड कर रहे हैं कितने कितने मात्रा में उसका जो है पेस्ट बन रहा है उस कंटेंट के बारे में हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन देंगे मंथ ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि कब बना इन सब चीजों के बारे में वहां पे हम लोग मार्किंग करेंगे बेच और लॉट नंबर यानी कि किस बेच पे बना उन सब चीजों को उसमें क्या करेंगे हम लोग पुट करते जाएंगे हमारा जो कंटेनर रहेगा उसमें बेस्ट यूज बिफोर का लिस्ट ऑफ की इनग्रेडियंट जो उस इंग्रेडिएंट जो जो इंग्रेडिएंट लग रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम लोग उसमें शो करेंगे हमारे कंटेनर में एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर बाई स्टेटरी अथॉरिटीज यानी कि कुछ अथॉरिटीज के बेस पे जो इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कंटेनर पे फुलफिल करेंगे तो ये हो गया हमारा शैंपू का पैकेजिंग एंड मार्किंग अब आगे जैसे देखें बी आई एस सर्टिफिकेशन मार्किंग करेंगे है ना उसमें बी आई एस के बेस पे कुछ सर्टिफिकेशन मार्किंग जो रहता है उसको हम लोग उसमें प्रोवाइड कराएंगे सैंपलिंग करेंगे क्वालिटी ऑफ रिएजेंट यानी कि उस जो जो चीज हम लोग उसके अंदर ले रहे हैं जो जो इंग्रेडिएंट uh, ले रहे हैं उसके बारे में उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे अब इसमें जैसे इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखिए तो फिर बी आई एस रिक्वायरमेंट्स ऑफ शैंपू शैंपू में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे तो फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स है ना इसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट जैसे पीएच ऑफ शैंपू शुड बी क्या कितना पीएच हमको रखना है शैम्पू के अंदर तो फिर फोर टू नाइन uh, जो है पीएच उसके अंदर होने चाहिए हैवी मेटल्स जैसे कि लेट परमिटेड परमिटेड इन शैम्पू जो हैवी मेटल्स हो गया लेट जो है उसके अंदर कितना परमिटेड रहना चाहिए उसके अंदर होने चाहिए शैम्पू के अंदर तो फिर ट्वेंटी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन जो है उसके अंदर प्रेजेंस रहने चाहिए आर्सेनिक जो है टू पीपीएम होने चाहिए अब जैसे देखें तो फिर लिस्ट ऑफ डाई एंड पिगमेंट परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक इज अंडर अब जैसे बी आई एस के बेस पे जैसे देखे तो कितना डाई यूज करना है कितना पिगमेंट जो है कलर उसके अंदर यूज करना है तो उसमें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बेस पे उसमें हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे एंड आगे जैसे देखें नॉन ऑलोटाइल एल्कोहल सोल्यूबल मैटर्स प्रेजेंट बाई मास है मिनिमम जो है टेन परसेंट इसमें प्रेजेंस होनी चाहिए एंड फॉर्म हाइट फॉर्म टू परसेंट सोल्यूशन मिनिममली जो है Uh, 150 फिफ्टी mm तक की उसका जो है फोम हाइट होने चाहिए तो ये कुछ इसके रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू बी आई शैंपू के अंदर तो इसको जैसे आगे देखेंगे तो फिर इसमें कर, और सेकंड जो है हमारा एनारेटिकल मेथड फॉर टूथपेस्ट तो ये जो है सेम उसी के तरह जाएगा बस थोड़े थोड़े इसमें चेंजेस रहेंगे तो इसके जो नोट्स रहेंगे उसमें जैसे हम लोग ने अभी जो शैम्पू के बारे में पढ़ा है सेम उसी के तरह जो है टूथपेस्ट रहेगा एंड जो क्रीम रहेगा है ना उसके बारे में दो, दोनों जो है वो सेम सेम रहेंगे तो इस तरीके से है तो फिर इसको मैं आप लोग को नोट जो है टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में जो है इस नोट्स को मैं डाल लूंगा तो आई होप आप लोग को ये चीज जो है वो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा आई होप आप लोग को बी आई एस क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा एंड एनालिटिकल मेथड फॉर शैम्पू ये भी अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग शैम्पू प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बेस पे अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो